हेलो फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवाड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हजारों की माँ से मिलिए, इस पौधे का नाम है हजारों की माँ, यानी कि मदर ऑफ थाउजेंड। और इसके कई वेराइटीज़ होते हैं, मदर ऑफ मिलियंस। ब्रायोफाइलम इसकी फैमिली का नाम है, ये ब्रायोफाइलम फैमिली से बिलोंग करता है, सकुलेंट फैमिली का है पौधा है ये। बहुत ही कम पानी में चलता है, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत प्लांट है। इसके बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, इसके मेरे पास 2-3 वैरायटी है। तो काफ़ी लेस डिमांडिंग पौधा है। इसकी सॉइल थोड़ी भुरभुरी बनाइए, मिट्टी में सैंड की मात्रा अधिक रखिए, और जिसे सकुलेंट रखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और सकुलेंट संभाले नहीं संभलता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही रफ टफ सकुलेंट का प्लांट है। और कुदरत ने इसे काफ़ी खूबसूरती प्रदान की। देखिए इसके कितने सारे बच्चे जन्म लेते हैं, देखिए आप। यही इसके जो लीव्स में बेबी प्लांट लेस लगे हुए होते हैं, वही गिर गिर कर इतने सारे पौधे बनाते हैं। और इस पौधे की खूबसूरती भी इसके जो बेबी प्लांट्स हैं, प्लांटलेट्स लगे हुए हैं लीफ में, इसके किनारे में, तो वही इसकी खूबसूरती होती है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना दोस्तों, ये बेबी प्लांटलेट्स। तो अभी आंधी तूफान चला था जिससे इसके बेबी प्लांटलेट्स भी झर गए और इसका पॉट भी टूट गया गिरकर। तो इन दिनों काफ़ी आंधी तूफान चली, बारिश तो उतना नहीं हो रहा अभी हमारे तरफ। तो दोस्तों, ये जो बेबी प्लांटलेट्स होता है, ये गिर गिर कर काफ़ी सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। आप देखोगे कि हर पॉट में ये ग्रो हो जा रहा है, जहाँ तहाँ ग्रो हो जाता है। तो इसको आप हल्की सी ऐसे छुएंगे तो आपके हाथों में निकल कर ये बेबी प्लांटलेट्स आ जाएगा, और किसी भी पॉट में आप डाल देंगे तो ये ग्रो हो जाता है। तो आप इसकी खूबसूरती को देखें, कितना खूबसूरत है ना दोस्तों। कुदरत ने इस हजारों की माँ को बेहद ही खूबसूरती के साथ बनाया है। और इसके साइड साइड में देखिए, ये प्लांटलेट्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इन्हीं प्लांटलेट्स को देखकर मैं इसे अपने गार्डन में ऐड की थी। और ऐसे छूइए आप, देखिए देखिए, और इस तरह से ये निकल कर आ गया हाथों में। और इसको बस कुछ नहीं करना है, मिट्टी में डाल देना है और बस न्यू प्लांट बनकर रेडी हो जाते हैं। यही इसका आप सीड कहिए, प्लांटलेट्स कहिए, बेबी प्लांट कहिए। और इस तरह से आप नर्सरी से लाकर ऐसे छोटे छोटे सैपलिंग भी ऐड कर सकते हैं। 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की वैरायटीज़ के ऊपर इसके रेट होते हैं। और कटिंग के थ्रू भी ये लग जाएगा, लेकिन इतनी कटिंग लगाकर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस कहीं से बेबी प्लांटलेट्स लाइए, पॉट में डालिए और ग्रो करिए। बहुत ही कम खाद में, बहुत ही कम पानी में चलता है, जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। बस एक ही कंडीशन में ख़राब होगा, आप इसे ओवर वाटरिंग कर देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा। तो मानसून के सीज़न में इसकी केयर कैसे करें, तो मानसून के सीज़न में इसे शेड वाली जगह पर रख दें। अगर बहुत ज़्यादा बारिश, कंटिन्यूस बारिश हो रही है, तो आप इसको ज़रूर शेड में रख दें, वरना आपका ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये खूबसूरत सा हजारों की माँ से आप हाथ धोना तो ज़रूर नहीं चाहेंगे, इसे सालों साल अपने गार्डन में आप संभाल कर रख सकते हैं। तो इसकी खूबसूरती देखिए, इसके बेबी प्लांटलेट्स में है, बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों। जब ये थोड़ा मैच्योर होता है ना, हल्की सी धूप में रखेंगे तो ये थोड़ी लाल लाल हो जाएगी, शेड में रखिएगा तो थोड़ी ग्रीन शेड में रहेगी। तो मतलब कलर मैजिक भी होता है इसमें, ऐसा कहिए कि कलर मैजिक होता है। और अब मैं आपको मिलाऊंगी करोड़ों की माँ से। हजारों की माँ से तो आपने मिल लिया, तो चलिए मिलिए करोड़ों की माँ से। तो ये है मदर ऑफ मिलियन, और ये काफ़ी टॉल होता है। अब जैसा पॉट देंगे, मैंने तो इसको एक बोतल प्लांटर में लगा कर रखी हुई है, थम्सअप के बोतल प्लांटर में, तो इसलिए इसका हाइट ज़्यादा नहीं होता है, कंट्रोल में रहता है। इसे बड़ा प्लांटर देंगे तो काफ़ी ऊंची हाइट होती है, और फ्लावरिंग भी इन सारों में देखने को मिलती है, मदर ऑफ मिलियन में भी, मदर ऑफ थाउजेंड में भी, विंटर में। तो ब्रायोफाइलम फैमिली का ये प्लांट है, तो कैलन कोई भी इसी की फैमिली को बिलोंग करता है। साथ ही पत्थल चट्टा का जो प्लांट होता है, वो भी इसी के फैमिली को बिलोंग करता है। तो इन सभी में विंटर में काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो प्लांट मैच्योर होगा तो वो फ्लावरिंग करता है। तो मैंने तो ये बास्केट भरकर ये मेरे पास लगा हुआ है, तो इसमें इसको उतना बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सिंगल सिंगल आप अच्छे साइज के, मतलब 10 इंच के पॉट में लगाएंगे, तो फ्लावरिंग भी इसमें देखने को मिलती है विंटर के टाइम में। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र इसको अगर आपको साल में एक बार अगर आप दे दिए, तो वही इसके लिए बहुत है।
सिर्फ वर्मी कंपोस्ट दे दे और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बहुत देने का मन है तो आप इसको साल में आप इसको वर्मी कंपोस्ट को ही घोल कर, जैसे आपको फर्टिलाइज़र देने में ऐसा पॉट भरा हुआ है तो देने में दिक्कत होता है, कैसे फर्टिलाइज़र दे। मैंने तो कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं दी है। आपको अगर बहुत मन है तो वर्मी कंपोस्ट को ही घोल कर लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे दे दे, क्योंकि इसको इतना प्लांटलेट्स इसके गिर गिर के पॉट भर लेते हैं ना कि इसको फर्टिलाइज़र देना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं दी है। बहुत ही रफ टफ हार्डी प्लांट है और बहुत ही अच्छा ग्रीनरी ऐड करता है। और जब भी, और ये मदर ऑफ मिलियन का प्लांट देखिए, इस तरह से एक छोटे से पॉट में दिए फिर भी इसका हाइट देखिए कितना लंबा हो गया और कितना सारा इसमें भी बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं। तो हर पॉट में गिर जाता है, जहाँ ज़मीन में हल्की सी मिट्टी भी मिलती है वहाँ पर भी ये ग्रो हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगेगा आपको कि सकलेंट नहीं है, जंगली पौधा है। और इसमें भी देखिए बेबी प्लांटलेट्स लगे हुए हैं। धूप में रखने से थोड़ा लाल हो जाता है और शेड में रखने से ग्रीन रहता है। तो इस तरह से इसकी केयर करिए दोस्तों, और फंगीसाइड का भी बीच बीच में स्प्रे करिए। इंसेक्ट्स वगैरह का कुछ भी डर नहीं रहता है, बस पानी ज़्यादा देंगे, ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये गल जाता है, यही इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, बाकी कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से इसकी केयर करें, इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। बहुत ही सुंदर रफ्टर प्लांट और इसके बेबी प्लांटलेट्स के तो क्या ही कहने, और दिल जीत लेता है। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। ये जहाँ गिरता है वहीं ग्रो हो जाता है, हर प्लांटर में ये ग्रो हो जाता है और बहुत ही जल्दी ग्रो करता है दोस्तों। इस तरह से इसकी प्रोपगेशन होती है। तो ये देखिए यहाँ मदर ऑफ थाउजेंड ग्रो हो चुका है। इसी तरह हवा चलती है, हवा के झोंके के साथ ही दूसरे प्लांटर्स में गिरते हैं और ग्रो हो जाते हैं, काफ़ी वाइडली ग्रो करते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो। और इसके जो पत्ते होते हैं ना, छूने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इसमें पल्प भरा होता है, पानी स्टोर रहता है। तो एक तो इसकी खूबसूरती, दूसरी इसकी लो केयरिंग। तो इस तरह से आप न्यू गार्डनर हो, बिगनर हो, तो इस पौधे के साथ आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तो मेरे पास खजाना है, बास्केट भरकर मदर ऑफ थाउजेंड, हजारों की माँ। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।